and also welcome in our DSS online classes. And today we are going to once again start chapter 3, entertaining program. It is going on regularly, but in between your periodic test first will be appear. So we will once again start last topic. Okay, so we have to look. Today's first topic is play a CD or DVD in Windows Media Player. How to play a CD or DVD in your computer regarding this program or software, Windows Media Player. Windows Media Player क्या है? एक आपका entertaining program है जहाँ पर आप क्या करते हैं? CD और DVD को प्ले करते हैं, तो हमारा जो सीडी और डीवीडी का जो कंटेंट है, एलिमेंट है, या फिर उसकी जो डाटा है, वो हमारे कहाँ प्ले होते हैं? इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है? ये कौन सॉफ्टवेयर है? विंडोज मीडिया प्लेयर, और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम किसी भी तरह के मल्टीमीडिया टर्म्स को अच्छे से वीडियो क्लिप देख सकते हैं. नाउ इन विंडोज मीडिया प्लेयर यू कैन play audio DVDs and data DVDs that contains रखता है कौन? DVD और CD, DVD या फिर CD. File also known as contain क्या रखता है? Music, video files, इनको और क्या कहते हैं? Also known as media DVD. मीडिया डीवीडी का मतलब, मीडिया मतलब क्या होता है? जो म्यूजिक और वीडियो और भी बहुत तरह की चीजें हैं जो रखता है, उनको हम क्या कहते हैं? मीडिया डीवीडी, ठीक है? ऑडियो डीवीडी भी होता है जिसमें केवल साउंड आता है, और वीडियो डीवीडी में उसमें साउंड और वीडियो मतलब मूवी पिक्चर्स मटेरियल भी आते हैं. वो आप कहाँ चला सकते हैं? विंडोज मीडिया प्लेयर प्रोग्राम में, क्योंकि यही आपका एंटरटेनिंग प्रोग्राम है जो बहुत ही फेमस है कंप्यूटर पे वीडियो क्लिप को देखने के लिए. सेकेंड, दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू, हाउ टू प्ले सीडी और डीवीडी इन विंडोज मीडिया प्लेयर. अब क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने कंप्यूटर में सीडी या डीवीडी को हम कैसे रन कराते हैं. सपोज कीजिए मार्केट से आप सीडी लाते हैं किसी पिक्चर का, सॉन्ग का, तो आप उसको कैसे ऑपरेट करेंगे? तो ऑपरेट करने से सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपका कंप्यूटर में बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये सब चीजें होती है, तो उसमें एक सीपीयू होता है. तो सीपीयू में ड्राइव होती है जिसको हम डीवीडी ड्राइव या सीडी ड्राइव कहते हैं. यदि आपके सिस्टम में डीवीडी ड्राइव लगा हुआ है तो सिस्टम में मतलब सीपीयू में, ठीक है, तो डीवीडी ड्राइव में लगा है तो वहां पर आप सीडी हो या फिर डीवीडी हो, दोनों को आप रन करा सकते हैं. लेकिन यदि आपके सीपीयू में केवल सीडी ड्राइव है, तो यदि आप मार्केट से डीवीडी ड्राइव खरीद लाए हैं, तो सीडी ड्राइव में डीवीडी आप नहीं चला सकते हैं. इसलिए मोस्टली पर्सन 99% सीपीयू में क्या यूज करते हैं? डीवीडी ड्राइव, क्योंकि डीवीडी ड्राइव में हम सीडी और डीवीडी दोनों को एक साथ चला सकते हैं. बट सीडी ड्राइव में क्या कर सकते हैं? केवल सीडी ड्राइव को प्ले कर सकते हैं. सो आपके सीपीयू में क्या होना चाहिए? डीवीडी ड्राइव. क्यों? जो आप डीवीडी चलाना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में उसके लिए. तो उसके बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, इंसर्ट द डिस्क. डिस्क मतलब जो डीवीडी का, जो डीवीडी प्लेयर की सीडी होती है, उन्हें हम डिस्क बोलते हैं. इंसर्ट द डिस्क यू वांट टू प्ले इनटू द ड्राइव. ड्राइव में इंसर्ट करना है. ड्राइव मतलब डीवीडी ड्राइव या सीडी ड्राइव. यदि सीडी चलाना चाहते हैं तो सीडी ड्राइव, यदि डीवीडी चलाना चाहते हैं तो डीवीडी ड्राइव. लेकिन डीवीडी ड्राइव में सीडी और डीवीडी दोनों हम रन कर सकते हैं, बट सीडी ड्राइव में दोनों रन नहीं होता है. तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ड्राइव में सबसे पहले वो सीडी इंसर्ट करनी है जिसको आप देखना या सुनना चाहते हैं. नेक्स्ट वन, द डिस्क विल स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली. जैसे कि आपके सिस्टम में यदि विंडोज मीडिया प्लेयर का एंटरटेनिंग प्रोग्राम है, तो जो ही आप सीडी या डीवीडी ड्राइव में लगाते हैं,
लेक्चर देगा उसके बाद तुरंत आपकी सीडी या डीवीडी को प्ले करके आपके सामने एक विंडो में देगा। जो विंडो किसका होगा? विंडो मीडिया प्लेयर का होगा। वहां पर या तो ऑडियो चलेगा या तो वीडियो चलेगा और आप वहां से अपनी मटेरियल, अपने कंटेंट जो सीडी डीवीडी के अंदर एग्जिस्ट है उसको आप सही तरीके से देख सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू रन ए सीडी या डीवीडी इन DVD drive with the help of Windows Media Player program. So let me have to move next point. To move to a specific point in a file, but which file? Those file you insert in your drive, that's like CD or DVD. If you are inserted in your DVD drive, after that your CD or DVD automatically play. And one window like this, window media player will be appear on your desktop screen. After that, here, what is your point to move to a specific मतलब जहां पर आप जाना चाहते हैं। वीडियो यदि आपका 10 मिनट का है और आप 8वें मिनट में जाना चाहते हैं या फिर 5वें मिनट में जाना चाहते हैं तो उसी भी स्पेसिफिक मतलब इन टू द पॉइंट उसी समय उसी टाइम ड्यूरेशन यदि आप जा रहे हैं उसी स्पेसिफिक यहाँ हो जाता है पॉइंट इन अ फाइल। टू मूव टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ फाइल प्ले द फाइल, पहले उसको क्या करेंगे? प्ले करेंगे, मतलब वो फाइल चलता रहे, स्टार्ट हो जाए फाइल इन द प्लेयर लाइब्रेरी एंड देन मूव द सिक्स स्लाइडर, ये जो आपका स्लाइडर है वहां पर आप मूव हो जाइए, मतलब वहां पर आप पॉइंट आउट हो जाइए टू द पॉइंट दैट यू वांट द फाइल टू प्ले। अब यहां से और यहां तक आपकी फाइल का टाइम ड्यूरेशन है, चाहे वो या फिर वो 1 आवर का हो या फिर 30 मिनट्स का हो या फिर 10 मिनट्स का हो, ड्यूरेशन आपका यहां से यहां तक की स्लाइड पर शो होगी। तो आपको ये जानना है कि हम इस स्लाइड को या तो यहां पर ड्रैग करें या तो पीछे ड्रैग करें, जहां पर जाना है वहां पर हम ड्रैग करके टू द पॉइंट, टू ए स्पेसिफिक पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, जरूरी कि एक घंटे की वीडियो को हम एक घंटे ही देखेंगे तो उसको समझ पाएंगे, यदि दूसरे को समझाना है कि एक घंटे की वीडियो में 30 मिनट्स के बाद ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है तो आप 30 मिनट्स वाले पोजिशन में स्लाइड से मूव हो जाएंगे बैक या फॉरवर्ड, वॉट एवर यू नीड हियर यू कैन चेंज योर स्लाइड पोजिशन इंक्रीज और डिक्रीज। हियर टू मच ऑप्शन दैट्स लाइक नेक्स्ट प्रीवियस साउंड कंट्रोलर। ओके, सो इन दिस टॉपिक यू हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस टू मूव टू द स्पेसिफिक पॉइंट इन अ फाइल इन वीडियो फाइल। ओके, टू मूव टू द स्पेसिफिक पॉइंट इन अ फाइल इन वीडियो फाइल। ओके।